शेयर किया। यहाँ पर देखें रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप लिख लें, फिर मैं आपको एक चार्ट बनवाती हूँ अभी। यहाँ पर देखें आपको थ्रू एरोज जो हैं काफी सारे लिंक जो है कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर देखें लिखा हुआ है प्राइड एंड प्रेजुडिस, अच्छा सबसे ऊपर बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखें जरा, यहाँ पे सबसे पहले एलिजाबेथ और डार्सी को सबसे ऊपर दिखाया हुआ है, यानी कि इन दोनों के गेट पूरी कहानी घूम रही है। और साइड में देखें कीज लिखी हुई है टॉप राइट पे, टॉप राइट पे देखिएगा कीज लिखी हुई है, जो रेड डॉट्स हैं वो मैरिज को शो कर रहे हैं, यानी कि एंड में जिस जिसकी शादी होती है वो रेड डॉट्स के साथ। रिजेक्टेड प्रपोजल्स जो हैं वो ब्लू के साथ शो हो रहे हैं, जो क्रश हो जाते हैं रिलेशनशिप्स वो ग्रीन के साथ शो हो रहे हैं, और जो स्कैंडल्स हैं वो ऑरेंज के साथ शो हो रहे हैं। अब लेट सी के किसका किसके साथ स्कैंडल था और किस किस का। अभी हमने पूरी समरी हम पढ़ चुके हैं, अब जरा इसकी तरफ आइएगा। यहाँ पे देखें मिस्टर विकम है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम पहले स्कैंडल्स पे आते हैं कि स्कैंडल किस किस का था। मिस्टर विकम और इस लाइन्स को देखिएगा, मिस्टर विकम और जॉर्जियाना का। सबसे पहले जॉर्जियाना कौन थी, डार्सी की बहन थी, और मिस्टर विकम चाहता था कि वो जॉर्जियाना को भगा के ले जाए। उसके बाद जो मिस्टर विकम है वो जो है कोशिश करता है कि एलिजाबेथ फैमिली में से किसी एक के साथ शादी कर ले, लेकिन फाइनली जो है लिडिया जो है, जो एलिजाबेथ की बहन होती है तकरीबन 15 साल की होती है, वो जो है उसका और विकम का आपस में अफेयर चलता है, एंड फाइनली एंड पे इनकी शादी भी हो जाती है, ठीक है, ये रेड डॉट के साथ भी शो हो रहा है। उसके बाद आ जाएं जनाब रिजेक्टेड प्रपोजल्स, ये ब्लू डॉट लाइंस के साथ शो हो रहे हैं। रिजेक्ट किस किस का हुआ, सबसे पहले जो रिजेक्टेड प्रपोजल था वो मिस्टर कॉलिंस का एलिजाबेथ के साथ हुआ। उसके बाद एलिजाबेथ ने डार्सी को रिजेक्ट किया फॉर द प्रपोजल, ये दो रिजेक्टेड प्रपोजल थे जो एलिजाबेथ ने ही रिजेक्ट किया था। उसके बाद जो है क्रश, देखते हैं कि कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो कि क्रश हुए थे। सबसे पहले तो जेन और कॉलिन का आपस में जो प्रपोजल होता है वो नहीं चल पाता, ठीक है, और उसके बाद मिस्टर विकम और एलिजाबेथ, इनका जो है किसी हद तक एलिजाबेथ जो है विकम से इंस्पायर तो हो जाती है लेकिन शादी नहीं होती। इसी तरह मिस कैरोलिन और मिस्टर डार्सी, मिस कैरोलिन जो है वो मिस्टर बिंगली की बहन होती है, वो चाहती है कि मिस्टर डार्सी से उससे शादी हो जाए लेकिन नहीं हो पाती। लास्ट जो की है दैट इज द रेड डॉटेड लाइन, मैरिज। मैरिज किस किस की किसके साथ होती है, एलिजाबेथ की मिस्टर डार्सी के साथ होती है, लिडिया की मिस्टर विकम के साथ हो जाती है, शार्लोटा जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी मिस्टर कॉलिन के साथ हो जाती है, और बिंगले की जेन के साथ हो जाती है। ये आपकी एक तो ये आप लोगों की स्लाइड हो गई, सेकंड लिंक खोलिएगा। दूसरे लिंक में देखें प्लॉट समरी, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अभी जरा समरी पढ़ लें, फिर मैं आपको एक छोटा सा प्लॉट समरी दिखाऊंगी और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो जरा देख लीजिएगा। अब ये जो हमने पूरी समरी पढ़ी है उसमें देखें कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में हमने क्या क्या पढ़ा एंड हाउ हियर हाउ इट ऑल गोज डाउन, और ये किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले प्लॉट में हमने पढ़ा, यानी कि स्टोरी में, प्लॉट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन अ स्टोरी। फाइव सिस्टर्स थी, मिसेस बेनेट हैज फाइव डॉटर्स बट नन आर मैरिड, बड़ी परेशान थी उनके बच्चियों की शादी हो जाए। नंबर सेकंड, जो सेकंड जो प्लॉट में जो सेकंड सीक्वेंस था वो ये था कि मिस्टर बिंगली जो होता है लाइक जेन, मिस्टर बिंगली जो है वो जेन को पसंद करता है, बट हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी सेज ही इज बेनेथ हिम, लेकिन मिस्टर डार्सी उसको कहता है कि नहीं वो तुम्हारे स्टेटस के बराबर नहीं है, और वो इस फैमिली के नेबर्स में आके रहना शुरू कर देता है मिस्टर बिंगली जो होता है। उसके बाद लव, मिस्टर एंड डार्सी एंड मिस्टर कॉलिन फॉल्स इन लव विद लिजी। लिजी यहाँ पे एलिजाबेथ को कहा जा रहा है कि मिस्टर डार्सी और मिस्टर कॉलिन्स जो है वो जो है ही फॉल्स इन लव विद एलिजाबेथ। प्रपोजल किस किस का चलता है, प्रपोजल एलिजाबेथ टर्न्स डाउन मिस्टर कॉलिन्स प्रपोजल एंड शार्लोटा लुकास स्कूप्स हिम अप।
एलिजाबेथ जो है मिस्टर कॉलिन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जबकि शार्लोटे लुकास जो है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर जो है नंबर फिफ्थ जो इसका सीक्वेंस था वो था ऑफिसर्स का, विद मिस्टर बेनेट्स परमिशन लिडिया फॉलोज ऑफिसर्स टू ब्रिंग टन एंड अलाउस विद विकन, के मिस्टर बेनेट की परमिशन के साथ लिडिया जो है वो फॉलो करती है ऑफिसर्स को ब्राइटन तक और वो भाग जाती है विकम के साथ। फिर जो है वो लेटर मिस्टर डार्सी रिवील्स द ट्रुथ दैट द विकम इज अ गैम्बलिंग लायर, नाउ एलिजाबेथ यानी कि लिजी लाइक्स मिस्टर डार्सी, और वो जो है एलिजाबेथ यहाँ पे उसका वो जो प्रेजुडिस होता है अबाउट मिस्टर डार्सी वो किसी हद तक टूट जाता है, चेंज हो जाता है। Debts. Mr. Darcy saves the Bennet family honor by paying the Wickham family debts. In exchanging, Wickham is marry Lydia. और वो जो Wickham होता है वो ये कहता है कि भाई मेरी family के debts जो हैं annual debts हैं वो pay करो तो मैं इससे शादी करूँगा। Finally, Mr. Darcy जो है वो debts pay कर देते हैं और उस family के owner को बचा लेते हैं, यानी कि बेनेट फैमिली ऑनर को वो बचा लेते हैं। मैरिज इन द एंड मिस्टर डार्सी गेट्स ओवर हिमसेल्फ एंड मैरिज लिजी, और मिस्टर डार्सी जो है वो उनकी शादी हो जाती है एलिजाबेथ के साथ। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगी। अब एक चार्ट बनाइए, थ्री कॉलम्स बनाए। एक कॉलम के ऊपर लिखें बेनेट, बेनेट्स फैमिली, सेकंड कॉलम के ऊपर लिखें बिंगली फैमिली, और थर्ड कॉलम के ऊपर लिखें डार्सी फैमिली। ठीक है, थ्री फैमिलीज हैं, उनकी कहानी है। बेनेट फैमिली जो है, बेनेट फैमिली के ऊपर लिखें लॉन्गबॉर्न, दे आर लिविंग इन लॉन्गबॉर्न। अच्छा, बिंगली जो है दैट इज द ऑनर ऑफ हर्टफोर्ड शायर, और दूसरा इसमें लिखे नेदरफील्ड। ठीक है, दे आर लिविंग इन नेदरफील्ड। अच्छा, उसके बाद डार्सी की जो स्टेट है दैट इज पेम्बर्ली स्टेट में डार्सी रहता है। बेनेट फैमिली के कॉलम में लिखिएगा, थ्री कॉलम्स बना लिए आप लोगों ने, बेनेट फैमिली के कॉलम में लिखे मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, उसके बाद पहली बेटी जेन यानी कि इनकी फाइव डॉटर्स हैं, जेन, एलिजाबेथ, नंबर थ्री मैरी, मैरी जो है वो बहुत ज्यादा बुकिश होती है, नंबर फोर कैथरीन, एंड नंबर फाइव लिडिया। अच्छा, यहाँ पे और सबसे नीचे करके एक छोटे से पैराग्राफ में लिख लें मिस्टर कॉलिंस, और नीचे लिखें अकलर्जी मैन, मिस्टर कॉलिंस अकलर्जी मैन। उसके बाद बिंगली के बारे में लिखिएगा, बिंगलीज के कॉलम में आइएगा, वहां पे लिखें चार्ल्स बिंगली, उसके बाद टू सिस्टर्स हैं, एक मैरिड है और एक अनमैरिड है। ठीक है, चार्ल्स बिंगली है, उसकी टू सिस्टर्स हैं, टू सिस्टर्स के साथ लिखें एक नंबर वन मैरिड, नंबर टू अनमैरिड। जो अनमैरिड है शी इज इंटरेस्टेड इन डार्सी। ये हो गया जनाब इसका सारा। अब डार्सी की फैमिली की तरफ आ जाए, डार्सी में लिखे मिस्टर डार्सी, मिस्टर फिट्ज़विलियम डार्सी, जो कि एलिजाबेथ को जस्ट उसका ये होता है कि वो एलिजाबेथ को कहता है कि भाई डार्सी की वजह से तुम्हारी बहन और मिस्टर बिंगली इन दोनों के दरमियान में जो जुदाई हुई है वो डार्सी की वजह से हुई है। उसके बाद मिस डार्सी यानी कि जॉर्जियाना डार्सी, उसकी एक बहन थी जॉर्जियाना डार्सी, और लेडी कैथरीन आंटी, ये डार्सी की आंटी थी, और लेडी कैथरीन के नीचे लिखे शी वॉन्ट्स टू मैरी हर डॉटर विद डार्सी। लेडी कैथरीन वॉन्ट्स टू मैरी हर डॉटर विद डार्सी, मोर ओवर लेडी कैथरीन डी बॉल सर्व्स एज हिज पेट्रोनस। किसकी पेट्रोनस थी? वो मिस्टर कॉलिंस की पेट्रोनस थी। मिस्टर कॉलिंस जो है वो एक क्लर्जी मैन था जो कि लेडी कैथरीन डी बॉल की स्टेट यानी कि पेम्बर्ली में एक क्लर्जी मैन था। अच्छा, लिडिया के नीचे लिखे विकम, लिडिया अलाउड विल जॉर्ज विकम, और बेनेट फैमिली में ही नीचे लिख लें मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर, मिसेस बेनेट्स ब्रदर एंड हिज वाइफ।
ये मिसलिनियस कैरेक्टर्स में ही आएगा, लेकिन बेनेट्स के नीचे लिखेगा क्योंकि इनका डायरेक्टली ताल्लुक बेनेट फैमिली से होता है। और आखिरी कैरेक्टर लिखे इसमें शार्लोटा लुकास, एलिजाबेथ डियर फ्रेंड, एलिजाबेथ डियर फ्रेंड शी मैरिज मिस्टर कॉलिंस, शी मैरिज मिस्टर कॉलिंस, वो मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेते हैं। ये बेटा आपका आज का लेसन एंड हो गया है और इसको आज जरूर गौर से पढ़िएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो बेटा मैं कल आप लोगों से ले लूंगी, आप लोगों का टाइम